स्टूडेंट्स असलाम्कम आज हमारा ये इक्कीसवा लेक्चर है क्लिनिकल साइकोलॉजी सीरीज का और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट की और उसके मुख्तफ अकसाम या उसकी जो टाइप्स है आपको याद होगा कि हमने असेसमेंट और इंटरव्यू के लेक्चर्स के दौर, दौरान ऑब्जर्वेशन की पहले भी बात की थी लेकिन आज मैं जरा इसको ज्यादा डिटेल में फोकस करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे बिहेवियरल वर्क में हमारी काउंसलिंग में हमारी असमेंट में ऑब्जर्वेशन जो है डेट प्लेज ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट तो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन जो है वो बेसिकली एक विजुअल मैथड uh, है या एक तरीके है to gather information and I'm sure you must be wondering information around what information around whatever is the referral question for instance information around the behavior of the client if, if the behavior is what we want to uh, study or information around you know what is happening in the environment uh, or information around how a person is is behaving for instance so therefore ऑब्जर्वेशन जो है अ वेरी वेरी की एलिमेंट इन इन ऑल दीज फैक्टर्स ऑब्जर्वेशन जो है उसके बेसिकली दो मेथड्स हैं। है टू मेन वेज टू मेथड्स कह लीजिए टू ऑब्जर्व एक जो है उसको हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन सो बेसिकली जेन में आप ये रखे कि टू अंडरस्टैंड अवियर और टू अंडरस्टैंड अ पर्सन

ऑब्जर्वेशन जो करते हैं जो ऑब्जर्वेशन असमेंट जो है उसका एक और जो मकसद है वो बेसिकली है टू सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर अगर हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो इट इट इम्पॉर्टेंट टू सी व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर सिमिलरली एट टाइम्स वी आल्सो वॉन्ट टू नो द ड्यूरेशन ऑफ द बिहेवियर फॉर इंस्टेंस अगर एक बच्चा जो है वह टेम्पर टेंट्रम थ्रो करता है या वो जिद में जाता है या जिद करता है तो वो जिद का ये नो फ्रिक्वेंसी किया है कि कितनी दफ़ा ज़िद की है उसने एक घंटे में लट से या एक दिन में सिमिलरली ये भी ज़रूरी है जानना कि उसकी जो ड्यूरेशन थी जिद की वो कितनी देर की थी आया दो मिनट ज़िद का पीरियड था पाँच मिनट ज़िद का पीरियड था ये चीज़ें जो है ये समझनी जो है ये बहुत ज़रूरी इसलिए होती है कि उससे हमें एक मकैनिक्स जो है बिहेवियर की वो बेहतर अंदाज से समझ आती है ऑब्जर्वेशन जो है ये uh, ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव तरीका है असेस करने का वो इसलिए एक्सपेंसिव है बिकॉज यू नो यू नीड ट्रेंड पीपल टू मेक ऑब्जर्वेशन हर आदमी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन जो है जिसको हम क्लिनिकली मीनिंगफुल कहते हैं जिससे हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिले वो नहीं कर सकता सो ऑब्वियसली यू नो Uh, you, you have to have trained people to observe and in order to have trained people to observe you know uh, that requires that, that definitely requires some uh, financial investment both in terms of money and time isi ye observation hai adults observation relatively you know uh, difficult uh, whereas the observation jo hai wo relatively asaan hoti इसी तरह ये जो ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट है ये कई डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में की जा सकती है ये घर में की जा सकती है ये स्कूल में की जा सकती है ये दफ्तर में की जा सकती है ये सिमिलरली प्ले ग्राउंड में की जा सकती है ये कहीं भी वर्चअली की जा सकती है एंड दैट्स अ वेरी बिग एसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ असमेंट के आप इसको यू नो डिपेंडिंग ऑन वॉट द नीड इज आप उस एनवायरमेंट में अपने क्लाइंट को यू uh, नो you know, अपने पेशेंट को या अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी तरह अक्सर उकात वी इन्वोल्व अदर पीपल टू मेक ऑब्जरवेशन आई से वी इन्वॉल्व अदर पीपल टू मेक ऑब्जर्वेश तो मेरी मुराद जो है वो बेसिकली उन लोगों की है जो उस शख्स की जिंदगी में ऑलरेडी है मैं इसकी मिसाल आपको यूं दूंगा कि फॉर इंस्टेंस अगर हम ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी बच्चे की कर रहे हैं वो इज बिन रिफर्ड बिकॉज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स

Uh, इसी तरह हम अक्सर अवकात पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई आप भी इन फैक्टर्स पे इन बिहेवियर्स पे इन करेक्टरिस्टिक्स पे इसकी ऑब्जर्वेशन करके अपनी जो जो भी अपनी आपका अकाउंट है जो भी अपनी रीडिंग है वो हमें सिमिलरली वी कैन हैव यू नो वी कैन हैव अदर पीपल सिबलिंग्स फॉर इंस्टेंस और वी कैन हैव समाइम्स फ्रेंड्स जो पीयर्स होते हैं कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि वेन वी आर वर्किंग विद एडल्ट लेट से तो अगर उसके किसी उसके ऐसे बिहेवियर्स के बारे में हम जानना चाहते हैं जो मे भी अपने आप को मैनिफेस्ट घर से बाहर करते हैं तो वी समाइम्स टेन टू ऑल्सो इंटरव्यू द पियर्स द फ्रेंड्स जो भी उसके करीबी दोस्त होते हैं वी वी देन सजेस्ट वी आस्ट द द फ्रेंड के भाई हमें अगर आप काइंडली इन एरियाज के अराउंड कुछ फीडबैक दें या अगले तीन दिन इन एरियाज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें मॉनिटर करें और हमें इन्फॉर्मेशन दें तो सो दैट्स अनदर वे

और इतनी ऑब्जेक्टिविटी अब उसमें आ गई है कि वो एक इम्पार्शल सेल्फ इवेल्यूशन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सके तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी यू you नो know, करवाई जाती है बिकॉज सेल्फ ऑब्जर्वेशन के फायदे बड़े हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि दिस इज लीस्ट एक्सपेंसिव इज लीस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज किसी और शख्स को आपने इन्वॉल्व नहीं किया होता आप अपने क्लाइंट ही को कहते हैं कि भाई अच्छा मैं चाहूंगा कि तुम अपने हर एक घंटे के बाद अपने आप अपने इस बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व करो तो सुवर इट बिकम्स अ वेरी रिलेटिवली वेरी मैनेजेबल काइंड ऑफ सिचुएशन लेकिन ये ऑब्जर्वेशन असेसमेंट्स करते हुए एक चीज जो बहुत जरूरी है जेन में रखनी वो कुछ एथिकल इशूज हैं आपको याद है कि मैंने एक बड़ा लेक्चर कोड ऑफ एथिक्स के बारे में दिया था

इन द नॉलेज यू नो ऑफ द क्लाइंट सो द्लाइट हमें एक किस्म का क्लाइंट का कंसेंट जो है इस पर हमें मिलना जरूरी है अब मैं टाइप्स की बात करनी चाहूंगा ऑब्जर्वेशन की उसमें जो पहली टाइप है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है नैचुरिस्टिक ऑब्जर्वेशन एज ए वर्ल्ड सेल्फ सोट ऑफ एम्प्लायज ये एक नेचुरल एन्वायरमेंट में लोगों को स्टडी करने का नाम है इसमें हमारे मैक एक बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1975 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर लिखा था इस मौजू पे, और उन्होंने उन्होंने बल्कि उस पेपर में ये भी एम्फसाइज किया था कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक पर्पजेस के लिए टेक्निकल पर्पजेज़ के लिए ग्रीक्स ने भी यूज़ किया है और फिर चाइनीज ने भी इन ओल्ड सिविलाइजेशन जो थी चाइना की या ग्रीस की उसमें भी इसको इस चीज को यूज किया गया इसी तरह हम सब आई थिंक बहुत आसानी से इस चीज को से रिलेट कर सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप गौर करें तो वी आर कांस्टेंटली मेकिंग एट टाइम्स इवन पासिंग जजमेंट्स ऑन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आर ऑब्जरवेशन हम कहते हैं कि जी फलाना जो शख्स है वो बहुत कंजूस है एक एक कहां से I mean, observation. हम कहते हैं जी फलाना जो शख्स है यू नो ही कहा से आई ये भी एक एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंशियल यू नो बेसिस एक डेटा इकट्ठा हुआ एक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ये डेटा इकट्ठा हुआ तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन जो है वी आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट आर इवन नॉट ंग कॉन्स इंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है दैट वी टेंट टू डिफाइन पीपल वी टेंट टू मेक जजमेंट अराउंड पीपल वी टेंट टू कैटेगराइज पीपल के ये अच्छा है ये बुरा है इसके साथ यू नो आई कैन बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन ये जो है इसके साथ मैं इस किस्म की बात कर सकता हूँ और इस किस्म की बात नहीं कर सकता इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता या इस पे जो ट्रस्ट है वो मैं इस हद तक कर सकता हूँ सो दी सो दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन अच्छा अब फर्क सिर्फ ये है कि ये जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है ये जो ऑब्जर्वेशन हम रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्स्टेंटली यू नो वी आर बेसिंग आर डिसीजन ऑफ लाइफ वी आर बेसिंग आर चॉइसिस यू नो वी आर डिसाइडिंग

जेर में रखते हुए कि भाई व्हाट इज इट दैट आई रियली वॉन्ट टू प्रोब आई मीन जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन करता है या आगे से करवाता है तो एक एक एजेंडे के मुताबिक वो चीजें करता है तो वो एजेंडा बेसिकली क्या है वो एजेंडा यही है कि भाई अच्छा कौन से बिहेवियर्स को पे फोकस करना है वॉट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी इज टू बी नो फोकस्ड उस वक्त फिर हम बाकी की चीज़ों को सबको एक किस्म का बैकग्राउंड में शिफ्ट कर देते हैं फोरग्राउंड में हम स्पेसिफिक बिहेवियर्स को या स्पेसिफिक कंसर्न्स को या स्पेसिफिक इश्यूज को लेके आते हैं इसकी एक एग्जांपल ये भी है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की कि फॉर इंस्टेंस मुख्तफ सेटिंग में लाइक हॉस्पिटल सेटिंग में लाइक स्कूल सेटिंग में लाइक होम सेटिंग में यू uh, नो you know, हम हम ये करवा सकते हैं इसी तरह अक्सर अवत ये जो ऑब्ज़रवेश दो हफर्स हुआ वर्किंग विद चिल्ड्रेन फॉर इंस्टेंस और ख़ास तौर पर स्पेशल बच्चों के साथ अगर हम काम कर रहे हो तो हम उनके स्पेशल स्कूल में ये ऑब्ज़रवेश करवाते हैं हम हम यू नो सकेट्रिक हॉस्पिटल्स में जहाँ पे यू नो पेशेंट्स इन्वाल्व वहाँ परवेश करवाते हैं तो ये ऑब्ज़र्वेश जे बेशुमारख्तलिमेंट्स में यू नो वी कैन कैरी दीज ऑब्जर्वेश अब मैं थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा होम ऑब्जर्वेशन की होम ऑब्ज़र्वेशन जो है ये एक बहुत पावरफुल टूल है इसका पावरफुल टूल होने की वजह जो है वो बेसिकली ये है कि जेन में आप रखें कि हमारे पास जब एक क्लाइंट आता है हमें कंसल्ट करने तो वो बेसिकली एक आध घंटे के लिए आता है तो वन आर अ वीक फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि वो आया तो वन आर वी वन आर अ वीक जो है वो किसी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो इस इस तरह की सिचुएशन में या इस तरह की कंडीशन में हम इनवेरिएबली बिहेवियर्स को घर पे भी मॉनिटर करवाते हैं और ये जो घर की मॉनिटरिंग है इसको हम होम बेस्ड ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं और इसमें खास तौर पे बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम जो है बी इसकी एब्रीवियेशन है ये डेवलप पैटर्सन ने किया था और ये एक ऐसा सिस्टम पैटर्सन ने बनाया था जो कि ख़ास तौर तो पे उन बच्चों के बिहेवियर्स को स्टडी करने के में बहुत फायदेमंद साबित होता है जिनको यू नो अग्रेशन की प्रॉब्लम होती है जिनको जो स्टबन होते हैं जिनमें अग्रेसिवनेस होती है या जो बहुत ज़्यादा नॉन कम्प्लाइंस शो करते हैं नॉन कम्पलाइंस से मेरी मुराद है कि जो कहना नहीं मानते यूरो अक्सर आज देखने में ये आया है क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ काफ़ी तो अक्सर देखने में ये आया कि आजकल पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि जी जो बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते और हमें कॉन्सटेंटली उन्हें बार बार चीज़ें कहनी पड़ती हैं वो फिर भी यू नो अपनी चीज़ पे कायम रहते हैं और अपने तौर तो तरीके से चलना चाहते हैं तो ये सम ऑफ समी Kind of, पेरेंट्स के अक्सर आ रहे हैं एक और ऑब्जर्वेशन जो जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो स्कूल की ऑब्जर्वेशन है स्कूल इज अनादर वेरी वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर ऑब्जर्वेशन इट अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर ऑब्जर्वेशन बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ फोर्सिस वर्किंग एट स्कूल आर वेरी यूनिक आई मीन घर के एंड पे uh, और किस्म की फोर्सेज वर्क कर रही होती है और स्कूल के एंड पे और किस्म की फोर्सेस वर्क करती है तो देफोर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कुछ इश्यूज़ या कुछ बिहेवियर्स या कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों की स्कूल के एंड पे ज्यादा आ रही होती है और घर के एंड पे कम आ रही होती है और कई दफा ये भी देखने में आया है कि घर के एंड पे प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है स्कूल के एंड पे कम आ रही है तो स्कूल के एंड की जो ऑब्जरवेशन है वो जिस मैंने पहले जिक्र किया था कि वो अक्सर हम स्कूल टीचर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं हम स्कूल टीचर को कुछ खास स्पेसिफिक बिहेवियर्स के अराउंड हम कहते हैं कि जी वी वुड लाइक यू टू एट द एंड ऑफ़ द क्लास फॉर इंस्टेंस वी वुड लाइक यू टू मॉनिटर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड अराउंड दिस पर्टिकुलर बिहेवियर लेट्स से के उसकी ऑन सीट बिहेवियर को हमने मॉनिटर करना है या लेट्स से उसकी डिसरप्टिवनेस को मोनिटर करना है या लेट से उसकी फिजिटिंग को मोनिटर करना है तो हम कहते हैं कि जी आप काइंडली क्लास के एंड पे ये जो बिहेवियर्स है इसके अराउंड टेली लगा दीजिएगा कि क्लास में ये चीज हुई या नहीं हुई तो उससे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द क्लास हमें यू uh, नो you know, कम से कम अगर नौ पीरियड्स हैं एक एक दिन में तो हमें नौ पीरियड्स का अकाउंट मिल जाता है तो उससे इट्स इनसाइट इन यू नो दिवियर ऑफ द चाइल्ड और द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड सिमिलरली कई दफा ये भी देखने में आया है कि हम सिर्फ क्लासरूम बिहेवियर ही को नहीं मॉनिटर करवाते बल्कि प्लेग्राउंड बिहेवियर को भी मोनिटर करवाते और तौर पे उन बच्चों का जिनको सोशलाइजेशन की डिफिकल्टीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, या वो बच्चे जिन, जिनके लिए मुश्किल है टर्न टेकिंग वो बच्चे जो चाहते हैं कि सिर्फ चीज उनकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए मेरा आमीन वी ऑल नो ऑफ सो मैनी चिल्ड्रन जो uh, अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो कहते हैं जी मैं ही बारी लेता रहा वो दूसरे को बाहर ही नहीं देना चाहते सो आई मीन देर आर चिल्ड्रेन जब जो इस तरह के जिनके इशूज होते हैं तो जब इस तरह का इशू ऑब्जर्व करवाना हो या करना हो तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो मेक एन ऑब्जर्वेशन आउटसाइड इन द फील्ड वे द चाइल्ड इज प्लेंग विद अदर चिल्ड्रन ताकि वो एलिमेंट भी जो है वो भी हमें नजर आए स्कूल ऑब्जर्वेशन के एरिया में मुख्तल कोडिंग सिस्टम जो हैं यू नो वो डवेलप हुए हैं इनमें कोडिंग सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि मुख्त तरीक़ेकार हैं जिसके मुताबिक हम मोनिटर करते हैं चीज़ को उसमें से फॉरस्टेंस एक कोडिंग सिस्टम ये होता है कि जी हम टेली लगा देते हमने एक चीज़ देखा कि हुई एक टैली लगा दी फिर देखा कि हुई एक और टैली लगा दी तो ये एक कोडिंग सिस्टम है तो इस तरह एक और कोडिंग सिस्टम यह हो सकता है येस एंड नो का कि हाँ हुआ बिहेवियर जो था मैनीफेस्ट उसने अपने आप को किया और या नहीं किया तो वहां पर येस एंड नो लगा देते हैं इसी दर स्टार यू नो स्टार लगा देते हैं तो में बेशुमार कोडिंग सिस्टम साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं अपनी सहूलत के लिए अपनी आसानी के लिए ताकि चीज को एक रिलायबल तरीके से एक ऐसे तरीके से जिससे कि एक मीनिंगफुल जो है अकाउंट मिल सके हम वो यूज करते हैं आख़न एक जर्मन ओरिजिन का साइकोलॉजिस्ट था जिसने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर्म डेवलप किया इसको हम डीओएफ कहते हैं ये चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट है ये अक्सर अवकात क्लास रूम में भी ये यूज़ किया जाता है एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉर्ट ऑफ अ टूल फॉर असैसिंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन इन क्लास स्कूल की जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरे अपने अंदाजे से बहुत इंपॉर्टेंट एक किस्म का अकाउंट होती है क्योंकि घर का अकाउंट जो है वो कई दफ़ा इतना ऑब्जेक्टिवली हमें मिलता नहीं बिकॉज वेन पेरेंट्स आर आज टू मोनीटर तो पेरेंट्स के अपने कुछ वॉइस जो है और अपनी जो सब्जेक्टिविटी है वो भी आ जाती है लेकिन स्कूल का जो अकाउंट है वो इन्वेरेबली बहुत ऑब्जेक्टिवली मिलता है इन एटलीस्ट इन मोस्ट ऑफ द इंस्टिट्यूशन तो देअर फॉर फ्राम अ थेपोटिक पॉइंट ऑफ व्यू फ्राम असमेंट पॉइंट ऑफ व्यू

प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो खुद से भी जाके ऑब्जर्व करता है लेकिन प्रोफेशनल्स जो है वो एक आध दफा जाके ऑब्जर्व तो कर लेते हैं लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन होना डेली बेसिस होनी जरूरी है तो फिर इनमे ये टीचर से ही करवाई जाती है तीसरा जो नेचुरलिस्टिक सेटिंग में जो तीसरी एनवायरमेंट है जो जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है वो हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन है हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन यू नो आप सोच रहे होंगे कि ये हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन किन लोगों की होती है ये हर शख्स की तो नहीं होती ऑब्वियसली ये हर शख्स की हो भी नहीं सकती अब हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन जो है ये उन साइकेट्रिक पेशेंट्स की खास तौर पे की जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं ये जो हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि अलाट ऑफ टाइम्स जो ट्रीटमेंट है और जो ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट है और कई दफ़ा जो मेडिसन्स जो मिल रही होती हैं पेशेंट्स uh, को वो सारा का सारा मामला जो है वो uh, एक किस्म का डिपेंडेंट होता है ऑन द दैट आर मेड द नर्सिस अलॉट ऑफ टाइम्स दीज द स्टाफ नर्सिस उनको माइंड यू अब मैं ये जो बात है ये साइकेट्रिक यूनिट्स की हॉस्पिटल की कर रहा हूँ मैं जनरल यूनिट्स की नहीं कर रहा क्योंकि साइकेट्रिक यूनिट्स में जो स्टाफ नर्सिस होती हैं उनकी कुछ इस तरह की ट्रेनिंग हुई होती है कि वो इस तरह की ऑबजरवेशन कर सकती हैं उनकी एक ओरिएंटेशन होती है तो और क्योंकि वो उन, उनसे ये चीज़ बार बार करवाई जाती है सो देर फॉर दे आर गुड एट इट ऑल्सो इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट हैं बेस्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग, वो भी ये ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने पेशेंट्स की और उसकी बेसिस पे uh, वो डेटा बेशुमार डेटा इकट्ठा करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में जब पेशेंट एडमिटेड होता है दिस इज अ वेरी दिस इज एन आइडियल एनवायरनमेंट इन अ वे टू ऑब्जर्व द पेशेंट क्योंकि जब uh, एक पेशेंट आउट पेशेंट बेसिस पे आता है तो वो थोड़ी देर के लिए आता है या वो डे केयर बेसिस पे अगर आता है तो थोड़ी देर तीन चार घंटे गुजारने के लिए हॉस्पिटल में आता है बट वेन अ पेशेंट इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ही इज प्रेटी मच फॉर द होल डे सो सो वेरी मीनिंगफुल डेटा कैन बी assessed and, with, and and drawn out of that observation. At this juncture, I would like to talk about another tool which is called Time Sample Behavioral Checklist. It's a tool which is used in hospital settings. The this tool is that you can observe them very well psychiatric patients and their observation is यू you नो know, वो 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 एक टाइमली ऑब्ज़र्वेशन होती है टाइमली ऑब्ज़र्वेशन से मुराद ये है कि मे बी वॉट यू वॉट यू कैन डिसाइड टू डू इज आफ्टर एवरी आवर यू नो यू कैन सेम्पल दी ऑब्जर्वेशन तो ये जो टाइम सेम्पल बिहेवियर चेकलिस्ट है दिस इज़ अ वेरी एफिशेंट वे ऑफ ऑब्जर्विंग पेशेंट इन हॉस्पिटल सेटिंग और इसमें देखने में ये आया है कि इवन जो इंटर uh, रेटर या, या जो ऑब्जर्व करने वालों के दरमियान आपस में भी जो उनकी कोरिलेशन है वो काफ़ी हाई होती है यू नो विच मेक्स इट अ वेरी रिलायबल वे ऑफ मॉनिटरिंग द द द इन्फॉर्मेशन एंड बिहेवियर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स तो ये बेसिकली मैंने जो बात की ये जो पिछले तीन तरीके कार मैंने मेंशन किए ये नेचुरिस्टिको सेटिंग्स के तरीक़ार थे नाओ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन माइंड यू कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की जरूरत आप सोच रहे होंगे क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत बेसिकली इसलिए पड़ी नेचुरल इन्वायरमेंट में आप हर वक्त यू नो स्पेसिफिक बिहेवियर्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज देर आर टाइम्स जो भी जब आप क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं किसी स्पेसिफिक चीज को ऑब्जर्व करने में तो हो सकता है कि वो चीज़ अपने आप को मैनिफेस्ट ही ना करे हो सकता है कि वो कई घंटों के बाद अपने आप को मैनिफेस्ट करे हो सकता है वो कई दिनों के बाद मैनिफेस्ट करे उसके अलावा नेचुरल सेटिंग्स में जेन में आप ये भी रखें कि बेशुमार और वेरिएबल्स ऑफ भी वर्क कर रहे होते हैं फॉर इंस्टेंस कई दफा लेट uh, से आपने अपने आपने जो बच्चा है जिसका बिहेवियर आपने नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना था फील्ड उसका गेम खेलते हुए क्रिकेट खेलते हुए उसको ऑब्जर्व करना था और अब आप गए स्कूल में तो इतफाका उस दिन बारिश हो गई सो देर फोर देर वोज नो क्रिकेट दैट डे सो इस तरह की जो वेरिएबल्स होते हैं वो नेचुरल कंडीशंस में वो अपने आप को बेशुमार दफा मैनिफेस्ट करते हैं इस चीज से बचने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि वाई नाट ई नाट ऑल्सो सप्लीमेंट ऑब्जर्वेशन बाई करिएटिंग एन्वायरमेंट्स जो कि कंट्रोल इन्वायमेंट्स कहलाई जाती हैं तो कंट्रोल इन्वायरमेंट जो है सबसे बड़ा उसका एक फ़ायदा है वो ये है कि यू नो आप अब डिपेंडेंट एक्सटर्नल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पर नहीं होते ना आप ना मौसम का कोई असर पड़ता है ना किसी और चीज़ का असर पड़ता है तो आपकी आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होती है जिसमें आप एक चीज़ क्रिएट करते हैं एक टेस्ट सिचुएशन पैदा करते हैं और उसमें फिर आप ऑब्जर्व करते हैं अपने पेशेंट को या क्लाइंट को अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ऑनेस्टी एंड डिसीट, आई मीन ये देखने में आया है कि अगर आप बच्चों में ये पैटर्न स्टडी करना चाहते हैं कि आया दीज थीज, आर दिल्ड्रन आर ऑनेस्ट या आर द डिसटफुल तो आप Uh, आप उनको ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जहां अ सिचुएशन वेर यू नो यू ऑब्जर्व दिस चिल्ड्रन विदाउट द चिल्ड्रन नोइंग कि यू आर बीइंग ऑब्जर्वड मसलन फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम सिचुएशन है मिसाल के तौर पे तो आपने उनको कहा है कि अच्छा मैं uh, मैं बाहर जा रहा हूँ आप लोग अपना अपना काम जारी रखें मैं थोड़ी देर में आता हूं तो अब आप उस तरह की ऑब्जर्वेशन में यू नो यू कैन यूज अ वन वे मिरर और उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि भाई अच्छा जब बच्चों को छोड़ दिया गया ऑन दे ओन वट डिड द डू डिड कंटिन्यू टू डू दे ओन वर्क कंटिन्यू टू राइट एग्जाम यू नो ऑन बेसिस ऑफ वट न्यू और डिड टू चीट तो इस तरह एक ऐसी इन अदर वर्ड्स ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा हम हम कर देते हैं एक ऐसी इन्वामेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि द पर्सन हैजॉइस टू मेक अ चॉइस टू इधर शो दैट बिहेवियर और नॉट शो दैट बिहेवियर तो ये एक किस्म की मिसाल हो गई ऑनस्टी और डिसीट की इसी तरह से अब जो नेक्स्ट फैक्टर जिसकी मैं बात एक नेक्स्ट सिचुएशन जिसकी मैं बात करनी चाहूंगा वो स्ट्रेस की सिचुएशन के हवाले से है कि हाउ डज वन रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस ये जो एन्वायरमेंट स्ट्रेस की एन्वायरमेंट जो है दिस पर्टिकुलरली बिकेम अ वेरी बिग इशू ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको याद है कि हमने एक अर्लियर लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था बिकॉज दैट वॉज अ टाइम वैन वैन देर अ लॉट ऑफ न्यू टेस्ट देट व इंटेलिजेंस टेस्टिंग उस ज़माने में हुई पर्सनालिटी टेस्ट उस जमाने में बहुत डेवलप हुए एक और जो बहुत इम्पॉटेंट ईशू जो सामने फेस किया आर्म फोर्सेस वालों ने वो था कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट पीपल पीपल यू नो वो कहते ना व्हेन द गोइंग गेट्स रफ द टफ गेट गोइंग तो किस तरीके से ऐसे लोग चुने जा सके जो अंडर स्ट्रेस अंडर डोरेस्ट जो है वो ऑप्टिमल फंक्शनिंग अपनी कायम रख सके तो इस सिलसिले में मुख्तलफ असमेंट के तरीक़ार जो थे वो डिवाइज हुए और आप में से अगर किसी को इतफ़ाक हुआ हो आई एस एस बी जाने का आ, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा या आपके बेशुमार दोस्त जो फौज में गए हैं या जाना चाह रहे हैं उनसे आपने सुना होगा कि जब हम अपने आर्म फोर्सेस की सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहां पे इस तरह के टेस्ट होते हैं अदर देन द इंटेलिजेंस टेस्ट अदर देन दैन पर्सनालिटी टेस्ट वी आल्सो गो थ्रू ग्रुप टास्क एंड सिचुएशंस, यू नो जिसमें के एक स्ट्रेस क्रिएट की जाती है तो उस सिचुएशन में यू नो फॉर इंस्टेंस आपको दस मिनट का टाइम दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है इस दस मिनट में ये जो चीज़ है ये जो टास्क है ये आपको करना है यू नो विच इज बाउंड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर यू तो फिर देखा ये जाता है कि अंडर ड्यूरेस एंड अंडर स्ट्रेस आप किस हद तक यू you नो know, अपनी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग को किस हद तक आप अपने आप को यू you नो know, और लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में और चीज़ों में किस हद तक यू you नो know, आप अपने आप को नॉर्मलाइज एक नॉर्मल तर, तरीके से चला सकते सो दे दिस इज अनदर इन्वामेंट एंड सिचुएशन जिसमें सारी दुनिया में बेशुमार काम हुआ है और हो रहा है और ये जो इस तरह की जो असमेंट टूल्स हैं ऑब्जर्वेशनल टूल्स हैं ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में भी ये सिलेक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं ये बाहर के ब्रिटिश सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में भी देव टू गो थ्रू दिस आर्म फोर्सिस के एग्ज़ाम सिलेक्शन में भी वन हैज गो थ्रू दिस सिचुएशन जिसमें के

उस एन्वायारमेंट में यह आपको अक्सर नज़र आता है चिल्ड्रन आर एक्टिंग एग्रेसिवली यू नो दे आर शोइंग नॉन कम्पलाइंस एट टाइम्स या वो आपस में सिबलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा लड़ते हैं तो इनवेबली यहाँ पे इस तरह की अग्रेसिनेस बच्चों में नजर आए माइंड यू तो वहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आस टू अंडरस्टैंड द डाइनिक्स ऑफ द फैमिली तो इस चीज़ को जेन में रखते हुए प्रिंस एंड कैंट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आईबीसी उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन बिहेवियर कोड वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है फैमिलीज़ के साथ इसमें हम मुख्तलिफ बिहेवियर्स को जो है आ, उनको उनको कोड करके उनको मॉनिटर करते हैं और और ये देखते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन यू नो जिसके अराउंड एक आर्ग्यूमेंट होती है या एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डिस्प्यूट होता है उसको फैमिली जो है वो आपस में बैठ कर किस तरह सॉल्व करती है तो इस इससे जो रेटर्स होते हैं जो बैठ के इसको आ, बाद में देखते हैं ये यू ये दो तरीक़ों से किया जाता है या तो अक्सर अवत तो हम इसको ऑडियो टेप करवा देते हैं लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं यहाँ पर वीडियो टेप भी ये सिचुएशन करवाई जाती है लेकिन अक्सर ऑडियो टेप ही करवाई जाती है तो इसको जब सुन के तो जो रेटर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा हाउ वज अः दिस कंडीशन डेल्ट विद यू नो इसमें कौन कौन से लोग थे उनका क्या करदार रहा वॉज अ फादर मोर इन्वॉल्व इन सॉटिंग आउट द प्रॉब वॉज अ मदर मोर इन्वॉल्व हु वॉज मोर पॉजिटिव इन डीलिंग वॉज मोर नगेटिव और जो अग्रेशन थी बच्चे की वो किस की रिस्पॉन्स पर ज़्यादा आ रही थी किसकी रिस्पॉन्स पर कम आ रही थी तो यू नो इज इन द वे ऑफ रियली क्रिएटिंग अचुएशन यू नो इन द होम इन अ सेफ इन्वायरमेंट एंड देन मोनिटरिंग इट एंड यू नो टेपिंग ऑन द बेस ऑफ दैट उस सारी रिकॉर्डिंग का अनालिस करके फिर उसका ट्रीटमेंट जो है या जो इंटरवेंशन है या जो बिहेवियर स्ट्रेटजीज यूज़ करनी होती हैं फिर वो बताई जाती है इसी तरह कंट्रोल परफॉर्मेंस टेक्निक्स होती हैं ये जो कंट्रोल परफॉर्मेंस टेक्नीकस हैं ये बेसिकली साइकलोजिस्ट ने डिवेलप की टू क्रिएट सिचुएशंस यहाँ पे उनके जो फीयर्स हैं या, है या उनकी जो इनप्रोप्रियट रिस्पॉन्स हैं या उनकी जो यू नो स्ट्रेस हैं वो अपने आप को मैनीफेस्ट करें इसकी एक बहुत इंट्रस्टिंग मिसाल जो मैं आपको देना चाहूँगा वो लेज़रस के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है लेजरस इज़ अ वेरी बिग नेम एज़ यू मस्ट ऑलरेडी नो इन बिहेवियर थेरेपी तो लेजरस ने क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स के साथ जब वो वो काम करता है तो उसने एक एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो लोग जो जिनको क्लास्ट्रोफोबिया है क्लोस्ट्रोफोबिया बेसिकली यू नो इज़ अ फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस तो उसने क्या किया कि एक ऐसा कमरा बना लिया जिसमें उसने रिस्पॉन्स और रिएक्शन लोगों के नोट किए कि उनको उसमें लाता था बिठाता था और फिर आहिस्ता आहस्ता एक जो वॉल थी उस कमरे कि kind of तो वो वॉल काइंड ऑफ अ स्क्रीन तो उस स्क्रीन को वो तंग करता चला जाता था इन अदर वर्ड्स कमरे के साइज साइज को श्रिंक करता चला जाता था और उससे वो देखता था कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन और फोबिक और, रिएक्शन और जो है वो क्लाइंट में पैदा होता है और इस सिचुएशन में वो उस क्लाइंट की जो आ, पल्स की चेंजेस, फिज, और फिजोलॉजिकल चेंजेस हार्ट रेट की चेंजेस और इस तरह की चेंजेस भी वो जो वर मोर फिजियोलॉजिकल इन नेचर उनको भी उस वो नोट उसने उ, उसने किया एंड सो 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 दीज आर आल्सो वेज ऑफ रेडी ऑब्जर्विंग पीपल इन इन कंट्रोल इन्वायरमेंट क्योंकि क्लोस्ट्रोफोबिया जो है दिस इज अंडीशन जो अक्सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें देखने में आती है यू नो देर पीपल फोर अ फ्रेड ऑफ फ्लाइंग फॉर इंस्टेंस दे बिकॉज अ प्लान वो और जब प्लेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो वो घबराना शुरू कर देते हैं इसी तरह देर पीपल जब वो एलिवेटर्स में जाते हैं तो उन्हें बड़ा डर लगना शुरू हो जाता है तो इन तो ये जो फीयस होते हैं इनको जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कई दफ़ा उनको यू नो इस तरह के इन्वामेंट में इम्प्रोवाइज करता है एक एक इस तरह की स्म्यूलेशन करता है और ताकि वो जो फियर है वो अपने आप को मैनीफेस्ट करे और फिर उसके बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट स्ट्रैटजीज जो हैं वो डेवलप की जाए एक और जो मिसाल कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की है वो बिहेवियल अवॉइडेंस की है बिहेवियल अवॉइडेंस जो है ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एरिया है इसमें भी साइकोलॉजस्ट ने मुख्तफ स्ट्रैटीज और एक्टिविटीज और मुख्तलिफ नो you टूल्स know, इसमें बनाए हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक्सपेरिमेंट uh, uh, जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो बेसिकली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें जिसका मकसद था ये देखना कि टू हाउ हाउ डज अ पर्सन अवॉइड अ सिचुएशन विच इज स्ट्रेसफुल वो एक्सपेरिमेंट ये था कि uh, लो, लोगों को जो सब्जेक्ट्स थे उनको एक कमरा दिखाया जाता है जिसके जिसकी ग्लास की वॉल है और ग्लास की वॉल के पीछे एक बहुत बड़ा सा सांप होता है अच्छा अब इसमें जब वो ग्लास वॉल के थ्रू सांप को देखते हैं तो उनका ऑब्जर्व उनका जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट में जो दूसरा स्टेप था वो ये था कि ये जो ग्लास वॉल है इसको सब्जेक्ट जो है उसको उसको हटाना होता है वॉल को ताकि वो फेस टू फेस सांप को देख सके तो देट इज अनदर काइंड ऑफ अ अदर डिग्री यू नो हायर डिग्री आप कह लीजिए ऑफ बी एक्सपोज टू द स्टिमुलच इज़ द स्नैक फिर तीसरा इसमें जो स्टेप आ, था वो ये था कि फॉर इंस्टेंस ग्लव पेशेंट सब्जेक्ट को ग्लव दिया जाता है कि ये ग्लव पहन के तुम साम को हाथ लगाओ उसके बाद ग्लव उतार के साम को हाथ लगाओ उसके बाद सांप को यू you नो know, हाथ में पकड़ के उठा के देखो और आई मीन सो सो बेसिकली ये जो सिचुएशन थी इट वाज़ अ सिचुएशन जिसमें ग्रेजुअली जो जो स्ट्रेस का लेवल था उसको बढ़ाया जाता है पेशेंट के लिए या सब्जेक्ट के लिए तो देखा ये जाता है कि व्हाट इज यू नो सब्जेक्ट की जो कैपेसिटी है टू डील विद एंजाइटी एंड फियर एंड एंड टू अवॉइड इट वो क्या है तो सो 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 दिस इज अनदर कांड्रोल इन्वायरमेंट सिचुएशन जिसमें के थ्रू यू नो थ्रू प्रोवाइडिंग एक्सपोयर ऑफ अटन स्टल उसको उसकी अवॉयडेंस को भी मोनिटर किया जाता है और फिर उसकी बेसिस पे लट से कि अगर एक आदमी ऐसा था जो कहता है कि जी नहीं मैं हाथ नहीं लगा सकता इस आम को तो देट इज़ दी एंड पॉइंट फॉर देट सब्जेक्ट तो फिर उसके लिए मिसाल के तौर पे अगर एक स्ट्रेटी डेवलप करनी है एक थेरेपियोटिक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है टू अंडू द फियर, तो फिर उससे अगले स्टेप पे उसको ले जाना इज कंसिडर टू बी द द द थेरेपियोटिक गोल तो दिस इज हाउ यू नो साइकोलॉजिस्ट टेंड टू एट टाइम्स यूज कंट्रोल्ड एनवाट एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एज अ वे ऑफ ऑब्जर्विंग वेरियस काइंड ऑफ बिहेवियर्स and behavioral patterns of people in various settings. The next thing I like to talk about is self-monitoring. Self-monitoring, this is a technique, this is a tool of assessment and observation. Your clinical psychologists particularly have started to use a great deal. There is a reason for it. Because observation by professionals, it is not,

माइंड यू सेल्फ मोनिटरिंग जो है इसको, इस, इस, इसको यूज करने से पहले थोड़ा सा आपको अपने सब्जेक्ट को क्लाइंट को इसके अराउंड ब्रीफ करना जरूरी होता है ताकि एक बेहतर अंदाज से एक बेहतर तरीके से वो इसको कैरी आउट कर सके इसमें अक्सर अवकात हम ये कहते हैं कि भाई बिहेवियर लॉग जो है मेनटेन करो बिहेवियर लॉग क्या होती है लॉग इज अं अ डायरी आप कह दीजिए कि जी हम जो बिहेवियर को मोनिटर करवाते हैं मसला हमने अगर क्लाइंट को कहा है कि अच्छा तुम्हें आ, अगर फॉर लेट से कि हम गुस, गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं वी वी वर्किंग ऑन एंगर कंट्रोल तो हम कहते हैं ओके तुम ऐसे करो कि तुम हर रोज जितनी दफा तुम्हें गुस्सा आता है जिन सिचुएशन में गुस्सा आता है उसका लिख लो सो so, ताकि वो एक किस्म का वो लॉक कर देता है वो एक डायरी सी लिख देता है तो वो ये जो डायरी है वो एक किस्म का अकाउंट बन जाता है जो वो फिर अपने थेरेपिस्ट के पास ला सकता है ये जो इस तरह का जो डेटा है वो एक किस्म का ब्रिज बन एक ब्रिज का काम देता है कि बिटवीन डिफरेंट सेशंस फॉर इंस्टेंस आज अगर आपने अपने क्लाइंट से सेशन आपका हुआ है और अब अगला सेशन अगर तीन दिन के बाद होगा तो जब वो इस चीज को डायरी को लिख के लाएगा एक मॉनिटर अपने आप को वो करेगा एंगर के अराउंड तो वो जब आपके पास डेटा ले आएगा तो उससे आपको एक बहुत क्लियर कट अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी दफ़ा ऑन डेली बेसिस उसको गु़स्सा आया मिसाल के तौर पर अगर पहले दिन पाँच दफ़ा आता है दूसरे दिन दस दफ़ा आता है तीसरे दिन पंद्रह दफ़ा आता है तो उसको वो एवरेज आउट आप जब कर लेंगे तो आप कहेंगे भी दस दफ़ा ऑन दी एवरेज उसे गु़स्सा आया फिर इंटरेस्टिंगली इनफ इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है कि इसकी बेसिस पे आपको यह भी अंदाजा हो जाता है एज ए साइकोलॉजिस्ट कि किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है वो सिचुएशंस क्या है वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या थे? और फिर यह भी अंदाजा होता है कि जी हाउ डिड द पर्सन डील विद उसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे सो दिस इज हाउ वी गेट अ इनसाइट इन टू इट तो सेल्फ मॉनिटरिंग चाहे इतना एफिशिएंट सिस्टम हमें ना भी लगे बट इनस्पाइट ऑफ दैट वी स्टिल प्रीफर पीपल यू नो यूज़िंग इट क्योंकि उससे अच्छी खासी जो इंसाइट है हमें लोगों में मिलती है तो इसी तरह सेल्फ मॉनिटरिंग जो है उसका जो जो यूज़ है वो रिसर्च सेटिंग्स में भी देखने में मिलता है मोनिटरिंग का यूज़ थेरापटिक सेटिंग्स में भी मिलता है हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी मिलता है तो बेशुमार सिचुएशन में सेल्फ मोनिटरिंग जो है वो यूज़ होती है और सेल्फ मोनिटरिंग टूल्स भी डेवलप ओवर द इयर्स हो गए हैं दे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड नाउ जिसके जिसके साथ हम एक सब समट रिलायबल तरीके से डेटा जो है वो लोगों से इकट्ठा करते हैं नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वेरिएबल्स इफेक्टिंग रिलाईबलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है जैसे आपने देखा कि नो मैटर वट पर्टिकुलर मोड ऑफ असमेंट वी आर यूजिंग व्यू व इट्स एन असमेंट यू नो रिलिटी जो है वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट अ थिंग ऑब्जर्वेशन अस्ट और एनी सिचुएशन इट हैजाइबल रिलइबल से मुराद यही है कि यू नो वन इज़ एबल टू रिपीट एंड गेट द सेम रिजल्ट्स आफ्टर रिपीटेड यू नो ट्रायल्स उसमें जो एक थोड़ा सा मसला आ जाता है कई दफ़ा वो कम्प्लेक्सिटी ऑफ टारगेट बिहेवियर का है कम्प्लेक्सिटी ऑफ टारगेट बिहेवियर से मेरी मुराद है कि अगर कोई बिहेवियर जो है वो बड़ा आसान है फॉर इंस्टेंस आसान से मुराद है कि अगर हम कह रहे हैं कि जी अच्छा uh, बच्चा जो है वो किस तरह बैठ के खाना खाता है इसको ऑब्जर्व किया जाए तो ये तो बड़ा दिस इज अ सिंपल सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर टू टारगेट तो इस, इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा आसान होगी और मे भी ज्यादा रिलायबल भी होगी इसी तरह अगर हम उसे हम ये कहते हैं कि जी अच्छा जो फैमिली जो फैमिली डायनेमिक्स है उसको ऑब्जर्व किया जाए कि आपस में बैठ के फैमिली में किस तरह यू uh, नो you know, फैमिली मेम्बर्स इंटरेक्ट करते हैं या बच्चा इंटरेक्ट करता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टू मॉनिटर तो बिकॉज ऑफ द कम्पलेक्सिटी ऑफ इट्स नेचर इसी तरह एक और जो रिलायबिलिटी इशू जो बन जाते हैं कई दफ़ा वो ऑब्जर्वर्स के ट्रेनिंग के अराउंड है कि ऑब्जर्वर्स जो है वो कई दफ़ा इतने ट्रेन नहीं होते या उनकी आपस की जो ऑब्ज़र्वेशन की रेटिंग है वो इतनी आपस में क्लोजली मिलती नहीं सो so ये बेसिकली दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिलायबिलिटी इश्यूज समझे जाते हैं अब मैं थोड़े से उन वेरिएबल्स की बात करना चाहूँगा जिससे कि वैलिडिटी जो है ऑब्जर्वेशन की वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो उसमें ऑबियसली हम एक बात तो करते हैं कॉन्टेंट वेलिडिटी की आप को पता ही है कि कॉन्टेंट वेलिडिटी को हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था ये बेसिकली कॉन्टेंट वेलिडिटी से मुराद है कि इज इज यू ऑब्जर्वेशन यू नो मेजरिंग एंड गिविंग अस डेटा ऑन द बिहेवियर्स दैट वी स्पेसिकली वांट टू टू ऑब्जर्व और उसके बाद फिर कॉन्करेंट वेलिडिटी है दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कॉन्करेंट वेलिडिटी को हम इन वेरिएबली मेजर करते हैं मुख्तलिफ नो रेटर्स से पूछ के आपस में उनका देख के भाई आप उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो किस हद तक एक सी है किस हद तक मुख्तलि है इसी तरह तीसरी जो है वो कंस्ट्रकट वेलिडिटी है कंस्ट्रकट वेलिडिटी जो है उसका तयन जो है वह हम इनवेबली करते हैं ये देख के कि आया वो बिहेवियर जिस पर काम किया जा रहा है थेरेपी में आया वह बिहेवियर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है अगर कम हो रहा है तो उसका मतलब है कि कंस्ट्रक वेलिडिटी जो है उसकी हाई है इसी तरह एक और जो इशू है वो मैकेनिक्स ऑफ रेटिंग का है मैकेनिक्स ऑफ रेटिंग से मुराद ये है कि जो रेटिंग होती है जो बिहेवियर की जो रेटिंग है वो हम प्राइमरली यू नो तीन चार एरियाज़ में कर रहे होते हैं कई दफ़ा हम एक चीज एक बिहेवियर की फ्रीकुनसी को मोनीटर करते हैं कई दफ़ा हम उसकी ड्यूरेशन को मोनीटर कर रहे होते हैं और कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या है तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन इनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है फॉर्चुनेटली अब आजकल के ज़माने में जबकि टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई है आ, हम यू नो स्टॉप वॉचिस का इस्तेमाल लैपटॉप का इस्तेमाल और यू नो you know, और इस तरह के और और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो गया है जिससे कि जिससे ज़्यादा यू नो you know, हम बेहतर तरीके से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर पाते हैं अगली चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्वेरेबली वैलिडिटी को डिटरमिन करता है वो रिएक्टिविटी का फैक्टर है रिएक्टिविटी से मेरी मुराद ये है कि जब आ, हम एक ऐसी कंट्रोल्ड सिचुएशन पैदा करते हैं जिसमें यू नो वी आर ऑब्जर्विंग अ क्लाइंट और अ पर्सन तो उसमें कई दफ़ा देखने में यह आया है डैट द पर्सन शोज़ बेस्ट हर बेस्ट बिहेवियर फॉर इंस्टेंस अगर लेट्स है कि वो अदरवाइज अग्रेसिव होता है या इरीटेबल होता है जब उसे यह पता चलता है कि आई एम बिंग ऑब्जर्व तो वो अब उसकी इरीटेबिलिटी और अग्रेशन जो है वह कंट्रोल हो जाती है तो इसकी वजह से फिर जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है वो उतनी पायेदार या उतनी यू नो वैल्ड नहीं कंसिडर की जाती क्योंकि रिएक्टिविटी टू अ सिचुएशन जो है रिएक्टिविटी टू बी ऑब्जर्व जो है वो अपने आप को मैनीफेस्ट कर रही होती है तो ये बेसिकली वो फैक्टर्स थे जिनका मैंने आपसे जिक्र किया जिससे कि वेलिडिटी ऑफ बिहेवियल ऑब्जर्वेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है तो इसके साथ मैं आज का जो लेक्चर है उसको ख़त्म करता हूँ इन शाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी खुदा हाफ़